अब मैं क्या करूं? ये शहर की लड़कियां बहुत होशियार होती है, मर्दों से जबान लड़ाते हुए उसे शर्म नहीं आती। मुझे तो इसकी नियत पर शक हो रहा है। माँ, मुझे पता था तू यहीं पर मिलोगी। अरे नाना ना, आप गलत समझ रही है। मैं इधर लड़ने नहीं बल्कि आपकी मदद मांगने आई हूँ। ठाकुर साहब 40 ऑटो से आगे हैं। हाँ तो देखो, अरे सरपंच जी महाराज, सरकार, और आप चिंता ना कीजिए, आप हर बार की तरह आप ही जीतेंगे। समाचार सुना। हुजूर, आप 40 फोटो से आगे हैं। मैंने कहा था ना हुजूर, आप ही जीतोगे। अबे बैठा क्यों है, जा समाचार लेके आ। मैं अभी आया। जा। अरे हुजूर, आप चिंता क्यों करते? आपके सामने कौन खड़ा है? वो हरियाणा, और उसके साथ है वो डॉक्टरनी। क्या मांगा है वो डॉक्टरनी ने? गांव वालों के लिए, अस्पताल के लिए जगह ही मांगी है ना। लेकिन वो हरिया तो आपके सामने थोड़ी टिकने वाला है, वो हार जाएगा और वो जगह हमें मिल जाएगी। लेकिन देखिए सरपंच जी, वो जगह पे हमें अस्पताल नहीं बनानी है, हमें बनाना है मुर्गी खाना। अरे अब बताओ ठाकुर साहब कितने वोटों से आगे हैं? ठाकुर साहब सिर्फ 10 वोटों से आगे हैं। और पेटियां खुलनी तो बाकी होंगी ना? हाँ, एक पेटी बाकी है। तो ये पेटी तो अपनी वाली होगी। और दादा क्या चल रहा है उसमें? अरे इधर आए, माई बाप, अभी भी आप 10 वोटों से आगे हैं। कुछ पेटियां और खुलना बाकी है ना? अच्छा अच्छा, हुजूर आप चिंता मत कीजिए, आप ही जीतेंगे। तुम लोगों ने कोई मेहनत नहीं की थी सरपंच जी को जीतवाने के लिए? अरे मेहनत क्यों नहीं की थी? गांव के एक एक घर में घुस घुस कर समझाया था कि जो भी वोट देगा सरपंच जी को ही देगा। क्या बोलते हो मेहनत नहीं की थी? नहीं नहीं, मैं कहाँ बोलता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों ने मेहनत की थी। जा जल्दी जा, समाचार लेके आओ जल्दी। सरपंच जी चिंता मत कीजिए, आप ही जीतोगे, पर सिर्फ 10 वोटों से आगे। पर कोई बात नहीं, जीतना तो हमें ही है। अरे कहाँ गए तुम? क्या बात है? ठाकुर साहब कितने वोटों से जीते हैं ये तो बता दो। ठाकुर साहब हार गए हैं। ओके? हाँ ठाकुर साहब हार गए। अरे मैं ठाकुर सुखदेव सिंह की बात कर रहा हूँ। उन्हीं की बात मैं भी कर रहा हूँ, वो हार गए हैं। लेकिन हर बार सरपंच तो वही बनते हैं ना? देखिए आप सरकारी काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जाइए यहाँ से, जाइए। ठाकुर साहब जीत गए, हार गए, फाइल बंद करो। जिन जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया ना, उनका तो मैं वही हाल करूंगा जो सुशीला ताई का किया था। सबको बिरादरी के बाहर कर दूंगा। माई बाप, क्या हुआ? हार गए हुजूर। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने तो मुझे वोट दिया था ना? मैंने दिया था? नहीं दिया था, दिया था। सरपंच महाराज, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे याद आ रहा है, मेरे घर में पूड़िया बनानी है, मैं अभी आता हूँ। मैं इनको छोड़ के आता हूँ।
जब कश्ती डूबने लगती है तो सबसे पहले उसे चूहे छोड़कर चले जाते हैं। क्या हुआ भगिया? आप सरपंच बन गए? अच्छा, अरे मुंह क्या देख रही हो? मेरे लिए कपड़े निकालो, मैं दीदी से मिलके आता हूँ। भगिया तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। अब सरपंच जी महाराज के साथ रहने से क्या फायदा? महाराज सरपंच? अरे नहीं नहीं नहीं, अब तो सुखदेव सिंह। सिंह भी क्यों, सुखदेव, उसके साथ रहने से क्या फायदा? दवा खाना बंद हो गया तो क्या हो गया है? अपनी पुश्तैनी जमीन है, खेती बाड़ी है, खाने पीने के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। भाग्यवान, मैं चलता हूं। अरे सुनिए, थोड़ी देर रुक जाइए ना, वो कमला अभी आती होगी। कौन, वो मास्टर नहीं? हाँ। यानी कि आप तुम मुझे उसके पास पढ़ने के लिए भेजोगी? बाकी एक बात कान खोल कर सुन लो, जब वो उसके माँ के पेट के अंदर थी ना, उससे पहले मेरे बाप ने मुझे ये बैट की खुशी संभालने के लिए दे दी थी। बात करती है। अरे वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो जो अरे देखो कमला आ गई। आओ कमला। नमस्ते बाबा। कमला बोलो ना। बाबा सरकार ने हमें अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी है और पैसे की भी मंजूरी दे दी है। तो मैं क्या करूं, बनाओ अस्पताल। बाबा एक परेशानी है, अस्पताल बनाने के लिए हमारे पास जमीन नहीं है और 15 दिन के अंदर अगर जमीन नहीं मिली तो हम अस्पताल नहीं बना पाएंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, हाँ, भूल गए वो दिन जब डॉक्टर ने आपको अपने खिलाफ जानते हुए भी आधी रात को मुझे और आपके बेटे को बचाने चली आई थी। आपको और आपके बेटे को और मुझे कुछ हो जाता तो यही जमीन को सर पे लेके घूमते थे या फिर उससे मांगते थे अपने बीवी बच्चों को। अरे भाग्यवान, भाग्यवान गुस्सा मत हो। अरे अरे ये जमीन का लेना देना कोई खेल की बात नहीं है। और ऊपर ये बात मत भूलो कि सरपंच महाराज हमारे ऊपर है, आगे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। अरे क्या कर लेंगे सरपंच, हाँ ज्यादा से ज्यादा गांव से निकाल देंगे है ना, या जान से मार डालेंगे। वैसे भी कौन सा जिंदा थे ये गांव में, उनके राज में? अगर मुझे शादी से पहले ये मालूम होता कि आप इतने कंजूस और इतने डरपोक हैं, तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करती। हाँ देखिए भगवान, मैं ना ही कंजूस हूँ ना ही कोई डरपोक हूँ। अरे इस गाँव में मेरी भी कोई हस्ती है। हाँ लेकिन हरिया से ज्यादा नहीं है। हाँ हरिया की तो मजबूरी है कि उसके पास जमीन नहीं है और आपकी मजबूरी है कि आप आपके मालिक सुखदेव जी हैं। ए, ए भाग्यवान, मेरा कोई मालिक नहीं है। हाँ मैं अपना खुद का मालिक हूँ, समझिया। अब मैं चलता हूँ।
बाहर जाकर कुछ सोचता हूँ और आने के बाद मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। मुझे नहीं मालूम था आपको इतना गुस्सा आता है। अरे तू नहीं जानती, ये मर्दों को ना जरा सी लगने वाली बात बता देना तभी सीधे रास्ते पे चलते हैं। हाँ। अच्छा भाभी, हाँ। एक बात बताइए, अगर आपको पता होता शादी से पहले, हाँ। कि बाबा ऐसे हैं, तो आप शादी किससे करती? तेरे बाबा से। हाँ, भाग्यवान और मैं दोनों साथ मिल जाते हैं और डॉक्टरनी, हाँ, डॉक्टरनी को मदद करते हैं उनके प्रचार के लिए, उनके ये प्रौढ़ शिक्षा के लिए। हाँ, यही यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। अगर गांव में मेरा नाम और आगे बढ़ाना है तो गुनी बाबा यही करना पड़ेगा। भगिया, ए भगिया, गमछा लेके आ मेरा। जी बापू। सुन, मैं जा रहा हूँ काम पे, तू क्या करेगा घर पे? जी मैं घर पे ही रहूंगा। तू बैठ वहां, नहीं बेटा ऊपर आ। जी। आज भवानी दीदी के पास नहीं जाएगा तू? नहीं बापू, आपने कहा था कि सरपंच जी दीदी के खिलाफ है। नहीं भगिया, नहीं, सब पुरानी बातें हो गई। वो मैं चाहता हूं तू भवानी दीदी के पास जा, तू पढ़, तू उनसे कुछ सीख। मैं गलत था भगिया, मैं गलत था। मैं चाहता हूं तू पढ़ लिख के खूब बड़ा इंसान बने, तू भवानी दीदी जैसा डॉक्टर बने। भगिया ये ऑटो अपने बाप पे छोड़ दे तू, तू उनके साथ जब शहर जाएगा ना और पढ़ लिख के वापस आएगा, अब तक शायद बूढ़ा हो चुका होगा मैं, लेकिन ये तेरा बाप जब तू सांप बन के आएगा ना भगिया, मैं इसी धनों में तुझे लेने आऊंगा और बोलूंगा सलाम साहब, तू अपने बापू को पहचान लेगा ना भगिया। तेरे साथ तेरे सपने जुड़ गए हैं, तू खूब पढ़ भगिया, तू जा, मैं अकेला रह लूं, लेकिन लौट के भूलना मत अपने बाप को। तू जा बेटा, तू जा, तू जा। भैया की बात, मैं गलत था, मैं तेरे इस लड़की को बहुत पढ़ाऊंगा, ये ऑटो नहीं चलाएगा, नहीं चलाएगा ये ऑटो।
साहिबा, ये है सारी जमीन, इस पर आप अपना अस्पताल का काम शुरू करवा सकती हो। सुनिए बाबा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आपने मेरी जमीन दान में दे दी। अरे सरपंच महोदय, मैंने आपकी जमीन नहीं दी है, मैंने अपनी खुद की जमीन दी है। मतलब आपने हमसे झूठ कहा था कि ये जमीन अपनी नहीं है, सरपंच जी की है। अरे भाग्यवान, मुझे पता था कि तू कितनी उदारवादी है। अरे डॉक्टर नहीं बोले तो तू उसके लिए जान भी दे दे, तो ये जगह क्या चीज है, इसे मैंने तुझसे झूठ कहा था। सरपंच महोदय, मैं जमीन क्यों ना दू ये डॉक्टरनी साहिबा, अरे उसने मेरी भाग्यवान की जान बचाई है, मेरे बच्चे की जान बचाई है। डॉक्टर साहिबा, शुरू कीजिए आपने जोर शोर से काम और गांव वालों की सेवा कीजिए उड़िया खा के। बेचारा जान पर। नमस्ते, मेरा नाम अशोक है। वैसे तो मैं शहर का रहने वाला हूँ और हाल ही में मैंने मास्टर्स इन सोशियोलॉजी की डिग्री हासिल की है। बचपन से मेरा एक सपना रहा है कि किसी गांव में जाकर वहाँ के लोगों के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सकूं। सो डिग्री मिलने के बाद जब मुझे पता चला कि इस गाँव में एक अध्यापक की जगह खाली है, तो मैं अपने बचपन के सपने साकार करने के लिए तुरंत यहाँ चला आया। यहाँ आने के बाद मेरी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर से हुई जो अपनी शहर की मेडिकल प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ गांव में मेडिकल प्रैक्टिस कर रही है, वही ख्वाब वही सपने लेकर जैसे मैं आया हूँ यहाँ पर। शुरू शुरू में तो काफ़ी परेशानियाँ हुई, काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन बाद में इन गांव वालों का इतना प्यार मिला कि अब ऐसा लग रहा है कि बस यहीं का होकर रह जाऊँगा। दीदी आपको याद है उस दिन आपने शंकर चाचा का इलाज किया था? हाँ, कैसे है वो? वो पहले से काफी बेहतर है, उनके परिवार वालों ने आपका धन्यवाद किया है, वो कहते हैं कि आपकी दवाई गुनी बाबा से काफी बेहतर है। ऐसी बात नहीं है, गुनी बाबा की दवाइयाँ भी अच्छी हैं, मगर अब उतनी पुरानी हो गई है। वो क्या है कि आजकल जो नई दवाइयाँ निकली है ना, उसके बारे में गाँव वालों को पता नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि शहर के लोग गांव वालों से थोड़े अलग होते हैं। तो फिर देखो, मैं भी तो गांव की थी, मैंने भी अपनी मेहनत अपनी लगन से आज ही मुकाम बना लिया है। लोग तो चांद पर पहुंच गए हैं, मगर गांव वाले हैं उनको इस बात का यकीन ही नहीं होता। वो अपने सिद्धांतों से ही जुड़े देते हैं, वो सिद्धांत उन्हें जिंदगी में प्रगति करने से रोक लेते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए दीदी? मैं भी आगे बढ़ना और पढ़ना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, अब देखो ना, धीरे धीरे गांव वालों को ये दवाइयों पर भरोसा हो जाएगा। अब देखो, जब उन्हें पढ़ाई का महत्व पता चलेगा तो बच्चे तो क्या, बड़े लोग भी पढ़ाई में रुचि लेने लगेंगे। मुझे मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में अपने आगे हमेशा एक लक्ष्य रखना। जब तक जिंदगी में लक्ष्य नहीं होता, सफलता आपके हाथ में। Thank you.
मेरा नाम कमला है। मेरा जन्म यही हुआ, यही पली और बढ़ी। शुरू से ही मुझे पढ़ाई में बेहद रुचि थी, इसलिए मैंने प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लिया और आगे की पढ़ाई करने के लिए पास के गांव के बड़े विद्यालय में गई। जब मैं वहां से वापस आई तो मुझे अपने गांव की बहुत सारी समस्याओं का पता चला, जिनका हल मेरे पास नहीं था। लेकिन हाँ, मैं अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना जरूर चाहती थी। और तभी हमारे गांव में डॉक्टर भवानी आई, जिन्हें मैं भवानी दीदी कहती हूँ। उन्हें देखकर मुझे विश्वास हो गया कि अब हमारे गांव की समस्याओं का समाधान हमें मिल जाएगा। मेरे प्रिय गांववासियों, आज तुम्हारा गांव हर क्षेत्र से संपन्न है। तुम्हें बरकरार रखना है इस गांव को, इसकी मान मर्यादा, आपसी प्रेम और एकता को इस गांव का मुख्य अस्त्र समझना और सरपंच सुखदेव सिंह की इज्जत करना। अगर ऐसा करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। डॉक्टर भवानी सरकार। आई 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 आई। अरे हरिया, तुम्हारी जगह वहाँ नहीं, यहाँ है। नहीं नहीं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, मैं यही थी। अरे कमला, हमेशा मीटिंग में सबसे पहले आने वाली डॉक्टरनी आज को दिखाई नहीं दे रही। सुशीला ताई, आप तो जानती होगी डॉक्टरनी कहाँ गई है। अरे बगिया, तुम तो रहते हो ना अपनी दीदी के साथ हमेशा, जाओ जरा देख के आओ दीदी कहाँ है। अरे हरिया की घरवाली, अरे उसे क्यों भेजा, क्या देखेगा वो कि दरवाजा खुला है या बंद है ना। अरे जानना ही है तो अपने ओटो जी से जान लीजिए, अरे उसे सब कुछ पता होता है कि कौन सा नया आदमी गांव में आया और कौन सा पुराना आदमी गांव से बाहर गया। हर रोज की तरह आज सुबह भी मैं स्टेशन गया था, मगर आज तो ना कोई आया और ना गया। मुझे नहीं मालूम डॉक्टर नी साहिबा कहाँ होंगी। मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है, एक दायित्व पूरा किया है, पर अब समय है यहाँ से आगे बढ़ने का, अगले पड़ाव का। कहीं किसी को मेरी जरूरत है, संतुष्टि गांव अब मेरे बगैर आगे बढ़ेगा। बिना मेरे मार्गदर्शन मैं चलती रहूँगी, कोई और समय, कोई नई जगह, शायद लोग मेरी राह देखते हैं।